दोस्तों, भारतीय संस्कृति में शादी विवाह को एक बेहद महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है। विदेशों और अपने यहाँ की शादियों में रात दिन का अंतर है। अपने यहाँ शादी का मतलब 7 जन्मों का बंधन होता है। परिवार में शादी होना हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। शादी में तरह तरह की रस्में निभाई जाती हैं। शादी को लेकर घर में छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब में जोरों शोरों का उत्साह रहता है। लेकिन दोस्तों, यह बात भी सच है कि शादी वाले घर में दूल्हे या दुल्हन के परिवार वाले तब तक चैन की सांस नहीं लेते जब तक कि शादी अच्छे से बिना किसी विघ्न के संपन्न नहीं हो जाती है। लेकिन बावजूद इसके अतरंगी लोग कहां बाज आते हैं। ऐसे लोग शादी तक को नहीं छोड़ते, यहां तक कि कई बार तो दूल्हा दुल्हन भी कई ऐसी हरकतें कर देते हैं कि फिर वे हंसी का पात्र बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही शादी से जुड़ी वीडियो क्लिप्स दिखाने वाले हैं जो आपको हंसा हंसा कर पेट दुखा देंगे। दोस्तों, इस तरह की क्लिप्स हमने काफ़ी मेहनत से इकट्ठा की, तो बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आपको अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम फ्यूचर में भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे लड़का हो या लड़की, अपने पार्टनर को लेकर सभी यही चाहते हैं कि उन्हें एक संस्कारी और समझदार पार्टनर मिले जो उसे समझे और उसकी बात माने। हालांकि आज के समय में बहुत ही कम केस में ऐसा मुमकिन हो पाता है, लेकिन वीडियो में मौजूद इस लड़की को तो इतना संस्कारी पार्टनर मिल गया कि पूछिए ही मत। इस दूल्हे ने पहले तो दुल्हन को माला पहनाई और फिर उसके पांव छूने लगा, जिसे देखकर दुल्हन भी हंस पड़ी। वाह भाई, दूल्हा हो तो ऐसा। इसे देखकर हमें तो यूं ही लगता है कि शायद बड़ी तपस्या करके मिली है इसे ये दुल्हन। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में अपने काम को लेकर काफ़ी व्यस्त रहते हैं। हाँ, यह ज़रूरी भी है, इंसान को काम करते रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कैसा हो जब आपकी शादी में आपकी दुल्हन अपने ऑफिस का काम कर रही हो। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं, दुल्हन शादी के जोड़े में स्टेज पर बैठे हुए अपने ऑफिस का काम कर रही है। भाई, काम को लेकर इतना डेडिकेशन तो हमने पहली बार ही देखा है क्या। दोस्तों, आप भी अपने काम को लेकर इतना डेडिकेटेड है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, खाने के बिना शादी कैसी। शादी में खाना इम्पॉर्टेंट और कंपलसरी पार्ट होता है। भारत के कई लोग तो शादियों में खाने को लेकर इतना सीरियस होते हैं कि पूछो ही मत। और इसी के चलते शादियों में कई नमूने भी देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से एक यह जनाब भी हैं जो कि एक शादी में खाना खाने बैठे थे। कुछ समय बाद जब इनकी प्लेट में खाना ख़त्म हो गया तो इनसे सर्व करने वाले इंसान का भी पेट नहीं हुआ। इन भाई साहब ने इनके बगल में बैठे आदमी की प्लेट से ही खाना चुराना शुरू कर दिया, और तो और इस बात का भी पूरा ध्यान रखा कि उस आदमी को पता न चले। लेकिन यह सब सामने वाले किसी शख्स ने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। दोस्तों, शायद ही आपको इस तरह के नमूने भारत के अलावा और कहीं देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब इस दूल्हे को भी देखिए, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। दरअसल इस दूल्हे को अपनी ही शादी में यह नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ तक कि इस दूल्हे से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तो और यह दूल्हा दुल्हन के बजाय दुल्हन की माँ को माला पहनाने लगा। अब आप भी बताइए इन्हें क्या कहेंगे। दोस्तों, अब इस वीडियो क्लिप को गौर से देखिए और अगर कुछ समझ में आता है तो हमें भी समझा दीजिएगा। दुल्हन और उसके फ्रेंड की केमिस्ट्री हमें तो ज़रा भी समझ नहीं आई। क्या आपको कुछ समझ आया, कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, अब यह किस्सा देखिए, जहां शादी की आखिरी रस्म केवल मंगलसूत्र पहनाना ही बाकी था। इसी दौरान स्वामी जी ने मंगलसूत्र निकाला और खुद से ही बिना दूल्हे को दिए दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाने लगे। यह देखकर उन्हें उनकी वाइफ ने रोका और तब जाकर उन्होंने यह मंगलसूत्र दूल्हे को दिया। कमाल है यार, स्वामी जी तो बहती गंगा में अपने हाथ धोने में थे। क्या स्वामी जी के मन में लड्डू फूटा होगा, आप कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, शादी दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए काफ़ी यादगार पल होता है। दोनों ही काफ़ी खुश और अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए एक्साइटेड होते हैं।
लेकिन शादी की जितनी खुशी इस दूल्हे को हुई शायद ही किसी और को हुई होगी। दुल्हन के गले में माला डालने के बाद यह दूल्हा ऐसे खुश हुआ मानो इसकी बंद तिजोरी के ताले खुल गए हों। इस दूल्हे को इस तरह नाचता देखकर तो पंडित जी भी बोल उठे, भाई थोड़ा सब्र रखो। लेकिन भाई ने किसी की नहीं सुनी। दोस्तों बेशक मेकअप हमारे चेहरे की सुंदरता बढ़ा देता है और अगर आप दूल्हे हो तो फिर आपके लिए मेकअप काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। हाँ थोड़ा बहुत खर्चा तो होता ही है, लेकिन दोस्तों इस दूल्हे की तो किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि इसका मेकअप आर्टिस्ट तो इसका दोस्त ही निकला। लेकिन दोस्तों मेकअप आर्टिस्ट अगर आपका दोस्त ही होता है तो फिर आप कुछ ऐसे ही दिखाई देते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें उससे मेकअप करवाएं या किसी और से। दोस्तों सच्ची आशिक को जब उसका प्यार नहीं मिलता तो फिर वो क्या कुछ कर बैठता है, इसका अंदाज़ा आपको इस क्लिप को देखकर लग जाएगा। दोस्तों कुछ भी हो, बंदे में दम तो बहुत है। दोस्तों अब अंत में इसे देखिए। इस शादी में पहले तो दूल्हा दुल्हन को माला पहनाता है, लेकिन जब दुल्हन की बारी आई तो यह शायद कुछ अलग ही मूड में थी। दुल्हन माला को इतनी बेरुखी से फेंकती है कि माला गले में रुकने के बजाय नीचे तक आ जाती है, जिसे दूल्हा उठाकर खुद ही गले में पहन लेता है और वो भी रजनीकांत स्टाइल में। तो दोस्तों ये थी शादी से जुड़े कुछ अतरंगी किस्से। आपको कौन सा किस्सा सबसे अतरंगी लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।